So today I will start the probability. Probability means by chance. Everywhere you see, everywhere, at your home, in your school, in your neighbors, anywhere you are not sure, perfect, you are not perfect. Only the chance is there, luck is there. That is, you can say, for the maximum number of things. For example, if you go out, not certain that the will not rain that day. अगर हम बाहर निकले और जरूरी नहीं कि मतलब कि पानी बरसे, तो That is only by chance. हम बाहर निकले और चले आए, जरूरी नहीं. Second thing, there is no means perfect means that there is not sure in this year or in the last year or in the future year that every students of your class or the other classes will pass and will go to the next class. That is not sure. Means this is luck, this is by chance. तो ये जो chance होते हैं कोई भी चीज के luck है, that is known as the probability. ये probability, mathematical name is probability of chance. जैसे हम coin को toss करते हैं, तो coin को toss करने पे you are getting head or tail, that is not sure कि head आएगा कि tail आएगा, जब तक आ ना जाए. तो जब तक कोई चीज happen नहीं होती है, तब तक हम sure नहीं होते हैं कि वो चीज होगी. जैसे if a die is there, जैसे ludo का जो होता है, जो खेलते हैं 1 2 3 4 5 6, अब 6 पे open होना है, तो जरूरी नहीं कि जिस समय हम चले और 6 आ जाए या 1 आ जाए. तो डिपेंड्स ऑन लक. ये सब लक होते हैं. जो भी इसको बोलते हैं कि रमी, जो हम लोग सब लोग खेलते हैं बाजार में या कहीं पे भी, ताश है, जुआ है जिसको बोलते हैं, दैट इज ओनली डिपेंड्स ऑन लक, डिपेंड्स ऑन चांस कि वो जीतेगा. बेट जो लगती है, दैट इज डिपेंड ऑन चांस. तो हर चीज में चांस होता है, हर चीज में, मतलब ज्यादातर चीजों में, 90% चीजों में हमें चांस देखने को मिलता है. सबसे जो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं तुम्हारे आसपास, तुम्हारे घर में भी, एवरीवेयर देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स. इन दैट वे यू कैन, बट इन द मैथमेटिकल वे हाउ वी फाइंड द What percent of chances is there? What percent of chances? तो उसको जो हम निकालते हैं, तो कैसे निकालते हैं? सबसे पहले, there are some terms related with the probability. One is the experiment. Experiment means अगर हम किसी coin को toss करते हैं, we throw a coin, toss a coin. In that case, you know that there are the two results, head and tail, but exact result what you will get, that don't know. हमें मालूम है कि there are the two results, दो results हैं, लेकिन कौन सा result आएगा, जब तक वो मतलब कि experiment हो रहा है, experiment होने का मतलब होता है कि जब तक वो ऊपर है, जब तक हम toss कर रहे हैं, तो तब तक नहीं पता, जब तक वो हाथ में या जमीन पे नहीं आ जाएगा. यू कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट द रिजल्ट. तो दैट इज कॉल्ड द रैंडम एक्सपेरिमेंट. इसे कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट. अच्छा, जो रिजल्ट्स होते हैं, जैसे फॉर ए कॉइन रिजल्ट्स हमें पता है कि हेड और टेल ही होंगे, इन्हीं में से कोई एक होगा, हेड या टेल. तो वी कैन राइट हेड एंड टेल इन द मिडिल ब्रैकेट
and this is called sample space. It's a sample space thing. When we write all the results in middle bracket separated by comma, then that is known as the sample space. Or in results ko jo yahan pe naam diye gaye hain, the results also known as outcomes. इन्हें आउटकम्स कहते हैं। अब इसमें एक वर्ड आता है कि इवेंट। इवेंट इज आल्सो द टाइप ऑफ द रिजल्ट। दिस इज द सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस। सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस मतलब इसमें से हेड ले ले वो भी एक इवेंट है, टेल ले ले वो भी एक इवेंट है, एच एंड टी बोथ आर द इवेंट्स, ये सब इवेंट्स कहलाते हैं। जिसकी प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है उसे इवेंट्स कहते हैं, ठीक है। अब इसमें कई तरीके के इवेंट होते हैं, जैसे पॉसिबल इवेंट, अकरेंस ऑफ एन इवेंट, नॉन अकरेंस ऑफ एन इवेंट, इक्वली लाइकली इवेंट, मतलब ये सब चीजें होती हैं। तो व्हाट आर द मीनिंग्स ऑफ दीज थिंग्स। जैसे अकरेंस ऑफ एन इवेंट, अकरेंस मतलब इसको बोलते हैं फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल का मीन्स है कि व्हेन वी थ्रो ए डाई और इसमें हमें मालूम है 1 2 3 4 5 6 देर आर सिक्स रिजल्ट्स और हमें चाहिए सिक्स, मतलब हमें सिक्स डिजिट चाहिए, सिक्स नंबर चाहिए या हमें वन नंबर चाहिए, जिस नंबर को हम चाहते हैं कि मिले एंड वी गेट दैट वन, देन दिस इज कॉल्ड अकरेंस ऑफ एन इवेंट। मतलब वो हमें मिला, फेवरेबल आउटकम्स मींस दिस इज कॉल्ड फेवरेबल आउटकम्स। और फेवरेबल आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी जब निकाली जाएगी तो वो आएगा कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फेवरेबल आउटकम्स। फिर है इक्वली लाइकली आउटकम्स। इक्वली लाइकली मतलब कि जैसे इस केस में है, क्वाइन की केस में है, हेड का चांस आने का चांस क्या है और टेल का आने का चांस क्या है। द चांसेस ऑफ हेड एंड टेल टू कम दैट इज इक्वल, चांसेस आर इक्वल, वाई 50% चांसेस ऑफ हेड एंड 50% चांसेस ऑफ टेल ऑल्सो। सिमिलरली इन दिस केस All the numbers 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कोई भी number हो, for every number the chances are equal। भाई 1 आएगा तो उसका भी chance 1/6 होगा, 2 आएगा तो उसका भी chance 1/6 होगा, 3 आएगा तो that is the chances also 1/6। मतलब सारे के chances हमारा equal है, that is called the equally likely event। फिर है हमारा इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब होता है कि जो इवेंट पॉसिबल ही ना हो। अगर इस केस में कोई पूछे, इफ एनीबडी आस्क्ड दैट द व्हाट इज द चांस इन थ्रोइंग द डाई दैट इज गेटिंग नंबर सेवन, तो नंबर सेवन क्या इसमें है? नो, नंबर सेवन नहीं है। इसका मतलब कि द चांस इज जीरो, दिस इज कॉल्ड इम्पॉसिबल आउटकम्स, इम्पॉसिबल इवेंट। मतलब वो आना ही नहीं है क्योंकि नंबर सेवन है, नहीं तो आएगा। सन राइजेस इन द वेस्ट, दिस इज इम्पॉसिबल फॉर दिस सिनेरियो, तो ये पॉसिबल नहीं है, इस वजह से ये इम्पॉसिबल इवेंट्स है। नाउ अब आता है कि जैसे हमारे पास में श्योर इवेंट। श्योर इवेंट का मतलब हो गया कि द इवेंट इज श्योर, मतलब वो हमें मिलेगा ही मिलेगा। इफ एनीबडी आस्क दैट सन राइजेस इन द ईस्ट, तो ईस्ट में तो हमेशा निकलना है, तो दैट इज द श्योर इवेंट। या इसी में कहा है द एनीबडी गेट द नंबर डिजिट फ्रॉम 1 to 6, तो 1 to 6 कोई ना कोई तो आएगा ही, तो दैट इज द श्योर इवेंट। अब एक आता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल
E is, event E is in this case is 3, and complementary event of this, का मीन्स होता है कि 3 को छोड़ के बाकी सारे, 3 को छोड़ के इन द केस ऑफ सेट, सेट में पढ़ा होगा कभी, तो दैट इज फ्रॉम द यूनिवर्सल सेट, फ्रॉम यूनिवर्सल सेट सब्ट्रैक्ट द सेट ई, यू विल गेट द कॉम्प्लीमेंट्री. बट इन केस ऑफ द प्रोबेबिलिटी यू विल डू सम मोर थिंग, आई विल टेल यू लेटर. देन व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द प्रोबेबिलिटी, अब फॉर्मूले की बात करते हैं. इन प्रोबेबिलिटी देयर इज ओनली वन एंड ओनली वन कॉन्सेप्ट इन द प्रोबेबिलिटी, इधर यू आर स्टडिंग इन क्लास 10 नाउ, आर यू विल स्टडी इन 11th, आर यू विल स्टडी इन 12th, कहीं पे भी प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे तो कॉन्सेप्ट सिर्फ एक होगा. ओनली वन कॉन्सेप्ट इज देयर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट या फेवरेबल आउटकम्स हम कह सकते हैं इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. अब सबसे पहले बात ये होती है कि हम फेवरेबल आउटकम्स और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स लेंगे कहां से, तो उसके लिए हम बता दे रहे हैं, जैसे ये देखा एक सैंपल स्पेस ये कॉइंस के लिए, द सेकंड सैंपल स्पेस दैट इज फॉर द डाई, ये इवेंट है फॉर दिस, और हमें 3 नंबर चाहिए, तो ये 3 मींस दिस इज द फेवरेबल आउटकम्स, इसे हमें चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लें. तो यू विल राइट द पीई, पीई का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, means favorable out is equal to number of favorable outcomes divided by total number of outcomes. ये number of favorable outcomes upon total number of outcomes, इसका मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स को हम ऐसे लिखते हैं एन ई अपॉन एन एस. अब तुम लोगों को कुछ याद आ रहा होगा कि सेट में एन ई का मतलब क्या है, एन एस का एन मींस कॉर्डिनल नंबर, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ई एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट एस. अब नंबर ऑफ एलिमेंट इन द, अगर हम इस केस को लेकर चलते हैं डाई वाला केस, ये नहीं, तो इन दिस केस द एन एस इज इक्वल टू 6 और एन ई इज इक्वल टू 1, क्योंकि एक ही एलिमेंट है, 1 इज नॉट द डिजिट, दिस इज द नंबर ऑफ एलिमेंट, तो दिस इज 1 अपॉन 6 इज द आंसर इफ आस्किंग फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द डिजिट 3. 3 डिजिट के लिए हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है. ऐसे ही अगर 2 डिजिट के लिए प्रोबेबिलिटी निकाले दैट इज द 1 अपॉन 6 आल्सो, फॉर नंबर 1 आल्सो 1 अपॉन 6, फॉर नंबर 6 आल्सो 1 अपॉन 6, फॉर नंबर 5 आल्सो 1 अपॉन 6. That is why it is called the equally likely event. क्योंकि सबकी probability you are getting the same in this case. So this is the formula of probability, number of favorable outcomes upon total number of outcomes, और that is only one concept in the probability. यही एक concept है और यही एक formula है, इसी को लेके चलना. Then अभी हम बता रहे थे कि ये जो इवेंट है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, इसको प्रोबेबिलिटी के टर्म में कैसे लिखेंगे. इफ यू सी द आंसर लिस्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, यू विल नॉट गेट एनी आंसर मोर देन 1 आर लेस देन 0, मतलब ना तो निगेटिव मिलेगा और ना तो 1 से अधिक मिलेगा. इट शोज द आंसर मीन्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, वो चाहे जो भी हो, प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to 1, यू कैन नोट एनीवेयर. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट लाइज बिटवीन 0 and 1. अगर किसी की प्रोबेबिलिटी 1 आती है, इट मींस द प्रोबेबिलिटी
इवेंट इज श्योर, मतलब वो होना ही होना है, दैट विल हैपन, जरूर होगा, ये श्योर इवेंट की बात होती है। अगर किसी की प्रोबेबिलिटी जीरो आती है, दैट विल नॉट हैपन इन द फ्यूचर, मतलब कभी भी वो नहीं होगा, दैट इज इम्पॉसिबल इवेंट। जीरो के लिए इम्पॉसिबल, वन के लिए श्योर, बट बिटवीन जीरो टू वन नॉट श्योर, मतलब कि उसमें जरूरी नहीं कि आएगी, और बस चांस रहता है, दैट इज ओनली फॉर द चांस। तो रेंज यू विल गेट जीरो टू वन, एंड ट्राई टू राइट द आंसर इन फ्रैक्शन फॉर्म, नॉट इन द डेसिमल फॉर्म, एस्पेशली इफ यू राइट इन द फ्रैक्शन फॉर्म, दैट विल बी इजी फॉर चेकिंग फॉर द एग्जामिनर ऑल्सो, कि वो पता चल जाएगा कि ये हमारा, वैसे भी डेसिमल फॉर्म में लिखे जाते हैं, बट इन सम केसेस जैसे 1/3 हुआ तो यू विल नॉट गेट द करेक्ट वन, यू हैव टू राउंड ऑफ। तो अगर 1/3 डायरेक्टली लिखेंगे तो दैट विल बी इजी एंड ऑल्सो करेक्ट। तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट के बारे में बात कर रहे थे, तो कोई भी प्रोबेबिलिटी, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर निकालनी है, तो हमने बताया अगर इवेंट ई है तो दैट इज यूनिवर्सल, यू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द यूनिवर्सल सेट। लेकिन अब यहाँ पे यूनिवर्सल सेट की बात नहीं आ रही, यूनिवर्सल सेट इन केस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑलवेज वन, मतलब नंबर ही तो लेंगे, तो दैट इज इक्वल टू 1 - PE। अगर हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई निकाला तो उसके अगेंस्ट में, मींस कॉम्प्लीमेंट्री, द प्रोबेबिलिटी इज 1 - PE, दैट इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी PE complement is equal to 1 - PE, 1 से subtract करेंगे जब भी complementary आए। तो these were the important points about the probability. Now some more things in the probability, that is the number of outcomes in case of, number of outcomes if two coins are tossed simultaneously, two coins are tossed simultaneously, then what are the outcomes? Outcomes क्या होंगे? तो outcomes means sample space, हम बता दे रहे हैं भाई, हो सकता है कि पहले coin में head है, दूसरे में भी head है, दोनों head आ सकते हैं, तो you will write like this, head and head, maybe first coin shows head and the second coin shows tail. So H comma T. Maybe the first second coin shows head and the first coin shows tail. So ये तुम्हारा T H भी हो सकता है. Or both coins shows tail. So tail and tail. अगर इसके अलावा कोई और cases है तो बता सकते हैं. Otherwise only 4 cases are there if we toss the two coins simultaneously, तो हमें ये cases मिल सकते हैं। So in this case the total number of space will be 4. Similarly if we toss a coin and a die, एक die ले लें और एक coin ले लें, तो क्या होगा? If we toss a coin and a die, in that case what you will get? So in this case you will get by head आया, head के साथ die का 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, तो there are cases, how many cases are there? H1, H2 से लेकर के H6 तक, ये 6 केसेस हो गए। तो क्या पॉसिबिलिटी नहीं कि टेल आवे कॉइन में? तो टेल भी आ सकता है, तो T1, T2 एंड T6 तक आ सकता है।
तो इन दिस केस द टोटल नंबर ऑफ केसेस आर 12, तो एनएस 12 होगा. इट मींस द नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स यू विल गेट द मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंडिविजुअल नंबर ऑफ आउटकम्स. मतलब जैसे क्वायर के 2 आउटकम्स होते हैं, डाई के 6 होते हैं, 6 × 2 दैट इज 12. 2 क्वाइल्स है तो 2 × 2 तो 2 × 2 दैट इज 4. अगर 3 क्वाइल्स हो जाएंगे तो कितने आउटकम्स मिलेंगे? देयर आर 8 आउटकम्स, 2 × 2 × 2. अगर 2 डाइस हो जाएंगे साइमल्टेनियसली थ्रो कर रहे हैं तो 6 × 6 दैट इज 36 आउटकम्स. तो इस तरह से ये आउटकम्स मिलेंगे. इन द देयर आर रिटन इन योर बुक द नंबर ऑफ आउटकम्स फॉर द 3 coins as well as for the 2 dice also. So you can see and you can check. In question exercise 5.4, last exercise here, a box contain, ekhi exercise hai isme. A box contains 600 screws. अब लगाने का कि what is the method? There is the very little calculation. बहुत कम calculation होता है. तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इसमें statement बनाना है, लिखना है, statement देना है. जैसे for example question number 1, एक box में 600 screws हैं. 1/10 are rusted. One screw is taken out at random. Find the probability that it is a good screws. सबसे पहले तो हमें रस्टेड स्क्रूज और गुड स्क्रूज को डिफाइन मतलब बताना है कि कितने कितने हैं. सो हाउ विल यू राइट हियर टोटल नंबर ऑफ स्क्रू 600, रस्टेड स्क्रू 1/10 ऑफ 600 मींस 600 × 10 That is 60. So good skew 540. 600 − 60. अब सब निकल है. This total number also represents NS. तो NS क्या हो गया हमारा? 600 हो गया. पूछ किसके बारे में रहा है? Only for the good skew. मतलब कि जो हम skew निकालें that will be good. तो probability क्या होगी उस good skew की? तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या हुए हमारे? गुड स्क्रू. तो देयर आर द 540 गुड स्क्रूज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मींस डिवाइडेड बाय 600. तो व्हाट यू विल गेट प्रोबेबिलिटी फॉर गुड स्क्रू. तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल या नंबर ऑफ गुड स्क्रू डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्क्रूज. सो दैट इज 540 × 600, 9/10. दिस इज द प्रोबेबिलिटी 9/10 फॉर द गुड स्क्रू. अगर यहीं पे रस्टेड का पूछा होता तो 1/10 बिकॉज 60/600. तो दैट इज वेरी इजी हाउ टू गेट द, बट ओनली यू हैव टू राइट द स्टेटमेंट. स्टेटमेंट जरूरी है लिखना. वन मोर क्वेश्चन, देर आर सो मेनी क्वेश्चन बट एवरी क्वेश्चन बेस्ड ऑन द सेम टाइम. जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, टू प्लेयर्स, दो प्लेयर है, एक सानिया एंड सोनाली. Play a tennis match. It is known that the probability of Sania winning the match is 0.69. 0.69 is the probability of winning the match for the Sania. What is the probability of Sonali winning? Sonali winning की probability क्या? Sonali कितनी probability होगी जीतने? तो जितनी इसकी हारने की होगी उतनी उसकी जीतने की होगी. भाई सीधी सी बात, two players है. अगर एक प्लेयर जीत रहा है जिसकी प्रोबेबिलिटी 0.69 है तो इसका मतलब कि सेकंड प्लेयर
कितने से जीतेगा, जितनी इसकी हारने की होगी, जब हारेगी तभी तो जीतेगी, और हारने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, वन माइनस .69. तो 1 minus 0.69 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सोनाली. तो बाय दिस वे वी कैन गेट द आंसर. .31 मींस द सोनाली कैन विन द मैच बाय दिस प्रोबेबिलिटी. So this is the way how to find the probability. The next question, similarly the 8th question, a box contains 7 blue, 8 white, 5 black balls. A box contains 7 blue, 8 white, 5 black balls, 8 white, 5 black balls. What is the एक बॉल निकाली जाती है, एक a ball is drawn at random from the box. What is the probability that it will be black? तो सबसे पहले total number of balls निकाल लें, that is 20. अब number of black balls हमें event निकालना first part के लिए, तो let E be the event for the black ball. तो दीज आर द 5 ब्लैक बॉल्स, तो एन ई इज इक्वल टू 5 ब्लैक बॉल्स. एंड द सेकेंड थिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ द ब्लैक बॉल्स, ड्रॉइंग द ब्लैक बॉल, दैट इज एन ई अपॉन एन एस. तो 5/20 मीन्स 1/4. तो 1/4 इज द probability for drawing the black ball. अगर blue और black कहता है, तो blue हमारे 7 है, black हमारे 5 है, तो 7 blue की अलग probability, black की अलग probability. Or you can add the number of balls in both the cases. मतलब 7 + 5, that is 12/20. Also you will get the same answer. चाहे हम 7/20 करके और +5/20 अलग अलग probability add करें, or you can add by taking the sum of number of blue balls and black balls, then also you can add. तो इस तरह से इसमें questions हैं जो हम कर सकते हैं. A die is thrown once. 11th question. A die is thrown. What is the probability that the number is greater than 2 या number is even? एक die को throw किया जाता है. Even number की probability क्या होगी कि हमें even number मिले? तो एज यू नो द सैंपल स्पेस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड फॉर इवन नंबर 2, 4, 6. सो एन एस इज इक्वल टू 6 एंड एन ई इज इक्वल टू 3. एन एस इज इक्वल टू 6 एंड एन ई इज इक्वल टू. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवन नंबर इज एन ई अपॉन एन एस, दैट इज 3/6 मीन्स 1/2. सिमिलरली गेटिंग the number greater than 2. Greater than 2, अब हम दूसरा पार्ट लेते हैं इसका, greater than 2. तो greater than 2, suppose f is the event for the number greater than 2. तो 3, 4, 5, 6, only 4 numbers are there. So nf is equal to 4. Now you will use the formula, pf is equal to nf upon ns. The same thing, by 4/6 means 2/3 is the answer. तो इस तरह से probability हम निकाल सकते हैं. You can get the probability. Now I will tell you the next thing in the next video. So keep on watching. Thank you.